नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के सूर्यनगर के अंदर मौजूद हो, तत्काल प्रभाव से सूर्यनगर का रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो आपको बता दूं कि पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो फाटक पड़ती हैं और इसी फाटक को लेकर के लगभग पिछले 2 साल से एक काम शुरू किया गया था। और काम शुरू किया गया था ओवर ब्रिज बनाने का, यानी कि ऊपर का पुल बनाने का, और उसी के साथ साथ जो है नीचे का पुल बनाने का काम भी यहाँ पर शुरू किया गया था। आप लोग देख भी सकते हैं, सीधा तस्वीरों के अंदर आपको दिखा पा रही होंगी कि ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अंडर पास बनाया गया है, तो वहीं बिल्कुल साइड के अंदर ओवर ब्रिज बनाया गया है, यानी कि ऊपर का जो पुल है वो बनाया गया है। अब बात आती है कि पुल बनाने के बाद अब तत्काल प्रभाव से ये रास्ता क्यों बंद किया गया, तो आपको बता दूं कि 2 कंपनियां पुल को बनाने का काम करती हैं। एक तो पुल को बनाती है बीच वाले हिस्से में जहां पर रेलवे फाटक होती है, तो वहीं एक कंपनी बनाती है पुल के इधर और उधर वाला हिस्सा, यानी कि रेलवे लाइन के लेफ्ट और साइड वाला हिस्सा जहां पर रेलवे लाइन नहीं होती है। जहां पर रेलवे लाइन होती है वहां पर B&R ये पुल बनाने का काम करता है। और अब की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज यहाँ पर 3 गार्डर लॉन्च किए गए हैं और काफी समय से ये पुल का रास्ता चालू किया हुआ था, जिसकी वजह से ये बीच का जो रास्ता है पुल का, यानी कि रेलवे लाइन के इधर और उधर का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, और उसी को चलते हुए ये पुल बनाने का काम पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है पुल बनाने का काम यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। आप लोग देख भी सकते हैं कि क्रेन जो है लगातार गार्डर को लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है, और इस गार्डर के वजन की बात करूं तो आपको बता देती हूँ कि लगभग 100। ये रास्ता बंद कर दिया गया है और रास्ता बंद, जी हाँ, तत्काल प्रभाव से ही रास्ता बंद कर दिया गया। और तारीख नोट कर ले, 22 जनवरी की वो तारीख है जब तक ये रास्ता बंद रहने वाला है। ये नीचे जो आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, जी हाँ, लाल रंग के क्रॉस का निशान आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्हें ही गार्डर कहा जाता है। और ये गार्डर जो है अब सूर्यनगर फाटक के बीचों बीच रखे जा रहे हैं। अब 3 गार्डर रख दिए गए हैं, आज 3 गार्डर लॉन्च किए गए हैं, हालांकि कुल मिलाकर के 10 गार्डर रखे जाने। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अगर ये रास्ता बंद कर दिया गया है और ये रास्ता कहीं ना कहीं जो है डाइवर्ट कर दिया गया है, तो अब रास्ता आखिरकार है तो है कहां से। तो आपको बता दूं कि ये सूर्यनगर की गलियां जो आप लोग देख पा रहे हैं जहां पर लंबी कतारें लगी हुई है, यानी कि 4 व्हीलर जो है यहीं से आ रहे हैं और 2 व्हीलर भी यहीं से आ रहे हैं, तो गली नंबर 2 से, जी हाँ, सूर्यनगर की गली नंबर 2 से रास्ता बनाया गया है। एक बार उस साइड जूम करके दिखाना चाहूंगी, वहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहां पर भी रेलवे फाटक है, हालांकि डबल रेलवे फाटक जो है सूर्यनगर एरिया के अंदर है, वहां का रास्ता बंद करके उसको डाइवर्ट किया गया है, और वही रास्ता डाइवर्ट करके सूर्यनगर की 2 नंबर गली से निकाल करके अब इस साइड की ओर कर दिया गया है। हालांकि ये रास्ता जो है कल, यानी कि संडे से ही बंद कर दिया गया था, और संडे से बंद करने की वजह से कल कुछ ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि जॉब का समय नहीं था। और आपको बता देती हूँ कि संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, इस वजह से ज्यादा वर्कलोड नहीं था, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब जो है आगे आने वाले 5 दिनों तक लोगों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि अब ये रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। ये देखिए, इनको भी नहीं पता चल पा रहा कि आखिरकार कहां से जाना है कहां से नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी है, B&R के अधिकारी को इसकी जानकारी है, लेकिन लोगों को बताने के लिए कोई भी यहां पर तैनात नहीं किया गया है कि आखिरकार जाना है तो जाना कहां से है। आगे का कोई भी वाहन जा रहा है सिर्फ उसी को देखते हुए, पीछे वाला वाहन भी जो है उसी कतार के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। और इस पुल की बात की जाए तो इस पुल का टारगेट रखा गया था कि 2021 दिसंबर तक ये बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये बन करके तैयार नहीं हुआ है। हालांकि हिसार वालों को पुल के रूप के अंदर सौगात तो मिलने वाली है, क्योंकि डबल फाटक होने की वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर अंडरपास भी बना दिया गया है ताकि कुछ वाहन जो आते हैं वो नीचे की ओर से जा पाए, कुछ जो वाहन आते हैं वो पुल से निकल जाए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी खामी यहाँ पर यह है कि अगर अभी यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है तो बरसात के मौसम के अंदर क्या हाल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पटेल नगर के अंदर भी एक और अंडरपास है जहाँ पर बारिश के
दौरान पानी बेहद ज्यादा भर जाता है और उसके ऊपर कोई भी रूफ नहीं लगाई गई है, यानी कि कोई छत नहीं लगाई गई है, ना ही कोई टिन की छत लगाई गई है, ना ही किसी और चीज की छत लगाई गई है, जिसकी वजह से लोग जो है बारिश के दिनों के अंदर इस अंडर पास से नहीं गुजर, और 25 टन वजन वाले इस गार्डर को अभी उठाया जाएगा, उठा करके रखा जाएगा। ये देखिए जो बीच का ये स्पेस है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो दो तरफ का पिलर है उसके, ये देखिए गार्डर जो है अभी उठाया जाएगा यहाँ से, और ये जो दोनों पिलर आप देख पा रहे हैं, पिलर के अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसी को बना करके गार्डर के ऊपर रखा जाना था। और ये देखिए अभी जो है ये 100 फीट वाला गार्डर, 65 टन का गार्डर, जी हाँ 65 टन का गार्डर है, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये रास्ता बंद कर दिया गया है। और पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए वहां से लेकर के वहां तक, जी हाँ बिल्कुल एंड कोने से लेकर के बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट से लेकर के बिल्कुल वहां तक जो है रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी कि बीच का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लेकिन बात ये है कि पॉइंट नोट कर लीजिए कि 22 जनवरी तक सूर्यनगर फाटक का रास्ता बंद रहेगा। अगर फोर व्हीलर वाहन लेकर के आ रहे हैं या फिर कोई इससे भी बड़ा वाहन लेकर के आ रहे हैं तो इस रास्ते से मत गुजरिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस रास्ते से आते हैं और रास्ते से आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय भी खराब हो और आपको किसी और रास्ते से जाना पड़े, तो इसी वजह से आपको ये बता देते हैं कि सूर्यनगर फाटक के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आज 3 गार्डर लॉन्च हुए हैं और पता ये भी चल रहा है जानकारी के अनुसार कि 2 दिन से ये काम जो है डिले हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है कि रास्ता जो है 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक बंद कर दिया जाए। हालांकि अभी जो है 22 जनवरी तक की ठेकेदार की तरफ से समय अवधि बताई गई है। और ये देखिए, और ये देखिए बांध दिए गए हैं गार्डर, और ये देखिए, और गार्डर के ऊपर जो है ये देखिए 5 लाइनें जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसे ही 5 लाइनें यहाँ पर रखी जाएंगी। फिर 5 लाइनें रखने के बाद ये 3 गार्डर का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद कल जो है चौथे गार्डर का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे ही करके 10 गार्डर यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि 2022 तक यहाँ के लोगों को सौगात मिल जाए। तो पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी 1-4 सेक्टर के अंदर जाना चाहता है या फिर 3-5 सेक्टर के अंदर जाना चाहता है तो ये रास्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है, सिर्फ रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि कई जगह कई चैनलों के ऊपर ये खबरें आ रही है कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दूं कि ये रास्ता बंद नहीं किया गया है बल्कि रूट डाइवर्ट किया गया है, और रूट डाइवर्ट किया गया है सूर्यनगर कॉलोनी के 2 नंबर गली से रास्ता बनाया गया है, और जो भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और सीधा लाइव तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि लोगों को कितनी परेशानी होने वाली है, क्योंकि परेशानी इस वजह से होगी कि जो ये रास्ता बंद किया गया है, पहले लोग सीधा जा पा रहे थे इन रास्तों से, लेकिन अब सीधा नहीं जा पाएंगे इन रास्तों से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई जो है बहुत ही इमरजेंसी के अंदर इस रास्ते से जा रहा हो और कहीं उसका यहाँ पर आने के बाद समय खराब ना हो जाए और उसको पता ना चले कि रूट कहाँ से डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा है कि कौन से रास्ते से रूट डाइवर्ट किया गया है। तो इसी वजह से आपको बता देती हूँ कि गली नंबर 2 से रूट डाइवर्ट किया गया है, सूर्यनगर गली नंबर 2 से। हालांकि कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार कितनी दिक्कत इनको हो रही है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जितने भी यात्री आ रहे हैं इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। एक रेड़ी वाले भैया यहाँ पर मिल गए हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितनी दिक्कत हो रही है। ये देखिए रेड़ी के अंदर जोर लगाने में बहुत जोर लगता है। भैया कितना जोर लग रहा है? बहुत जोर लग रहा है, बहुत जोर लग रहा है। अच्छा ये बताइए कितना रास्ता जो है ज्यादा तय किया है आज? रास्ता आज बहुत खराब है जी, बहुत खराब है। अच्छा ये फाटक बंद करने से कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। ये देखिए बता दूं आपको, इस फाटक से जो है ये रेड़ी निकल भी नहीं पा रही है, इतना ज्यादा जोर लग रहा है। कई लोगों को जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। खैर आपको बता देती हूँ एक बार दोबारा से कि 20
नहीं बल्कि 22 जनवरी तक ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अगर घर से निकल रहे हैं तो एक बार पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 22 जनवरी तक ये रास्ता बंद कर दिया गया है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा दिन तक ये बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काम जो है 2 दिन ज्यादा लेट से चल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और गली नंबर 2 से रास्ता बनाया गया है, सूर्यनगर फाटक का डाइवर्ट किया गया है। खैर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सूर्यनगर से। नमस्कार।